कथाभाचक धीरेन्द्र शास्त्री के छिंदवाड़ा में एक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने शिरकत की। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मुझे सियासत से मत जोड़िए, मेरे लिए सारा विश्व एक समान है। हम कोई सियासी आदमी नहीं, इन सबसे हमको दूर ही रखा जाए तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। हमें अपना कार्य सनातन का कार्य करना है, हमें जाति बात को हटाकर सबको एक करना है, इसलिए हमको सियासी बयानों से, सियासी बगावत से दूर रखा जाए। सर, महाराज जी नकुलनाथ जी को कैसा भक्त पाया आपने लगातार? हम भी गए थे, हमारे लिए सब समान है, पूरा विश्व हमारे लिए समान है। जो हमारे बालाजी का है वो हमारा है, जो हमारे राम का है वो हमारा है। आपका महाराज जी पहुँच रहा है, अब आपको लगता है हमारा जो संकल्प था वो पूर्ण हो रहा है। बाबा बागेश्वर की 3 दिवसीय हनुमंत कथा के समापन समारोह में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जो कहा वो चर्चा का विषय बना हुआ है। छिंदवाड़ा के लोग भी खुश होते हैं, इसमें कोई धार्मिक बात नहीं है। ये मैंने कहा है कि हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति आध्यात्मिक शक्ति है, और जो ये भीड़ जुटती है ये वह आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। तो बनाने की क्या बात है, 82% तो हिंदू है ही, तो वो क्या हिंदू पैदा कर रहे हैं? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज में हो वहां कोई बहस की बात है? ये तो है ही, 82% अगर भारत में हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता? ये तो आंकड़े बताते हैं।